हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग अरबी की सब्ज़ी हमेशा बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे इस तरह से बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैं 1/2 kg अरबी ली हूँ। इसे हम लोग प्रेशर कुकर में डालेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी लेंगे जितना अरबी अच्छे से डूब जाए। देखिए, अरबी अच्छे से डूब गई है। अब हम लोग इसमें 3 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। मैं गैस पर कुकर चढ़ा दी हूँ। हम लोग अरबी को 2 सीटी तक उबालेंगे। ध्यान रखें, हम लोग ज़्यादा अरबी को नहीं उबालेंगे, क्योंकि ज़्यादा उबलने से अरबी हमारी चिपचिपी हो जाएगी। कुकर में 2 सीटी आ गई है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुकर हमारी ठंडी हो गई है, ढक्कन खोलकर देखते हैं। अब हम लोग अरबी को निकालेंगे। देखिए, अरबी अच्छे से पक गई है, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई है। अब हम लोग इसे ठंडे पानी में डालेंगे। हम लोग सारे अरबी को ठंडे पानी में डालेंगे ताकि अरबी ओवर कुक ना हो जाए। अरबी को निकाल ली हूँ और इसका पानी मैं फेंक दी हूँ, गर्म हो गई थी, और मैं इसे दूसरा ठंडा पानी से फिर से धो करके मैं इसे निकाल ली हूँ। और मैं मिर्ची भी निकाल ली हूँ कुकर से। अब हम लोग अरबी को छील लेंगे। मैं अरबी को अच्छे से छील ली हूँ। ध्यान रखें, जब अरबी पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी हम लोग इसे छीलेंगे, नहीं तो ये चिपचिपी हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे कि हाई फ्लेम पर हम लोग 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब हम लोग अरबी को कट कर लेते हैं। देखिए, मैं अरबी को अच्छे से पीसेस में कट कर ली हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं एक मिक्सर जार ली हूँ, इसमें हम लोग मिर्ची ऐड करेंगे। इसका डंठल निकाल लेंगे, जो हम लोग प्रेशर कुकर में भापे थे वो वाला मिर्ची है। मैं एक मीडियम साइज के प्याज को बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। मैं इसे भी इसमें डालूंगी और 6-7 लहसुन की कलियाँ को छील ली हूँ। इसे भी हम लोग डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम लोग इसका पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। मैं पेस्ट बना ली हूँ, हम लोग इसे ज़्यादा पतला नहीं किए हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें हम लोग तेल डालेंगे, क्योंकि हमें अरबी को सुनहरा करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। तेल गर्म हो गई है, अब हम लोग इसमें अरबी डालेंगे। मैं अरबी को इसमें डाल दी हूँ। हम लोग इसे हाई फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए, अरबी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे 2 मिनट लगा है गोल्डन ब्राउन होने में। अब हम लोग ये अरबी को निकाल लेते हैं। बाकी के बचे अरबी भी इसमें ऐड करूंगी। देखिए, मैं सभी अरबी को प्लेट में निकाल ली हूँ। हम लोग तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे और मैं 1 प्याज को बारीक काट ली हूँ, इसे मैं डालूंगी करेंगे। प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम लोग इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। पॉट में हम लोग थोड़ा सा पानी डाल करके ऐड कर लेंगे। अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम लोग मसाला को तेल छोड़ने तक पकाएंगे।
मसालों से तेल अलग होने लगे हैं, मतलब मसाला पक गए हैं। अब हम लोग इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे हम लोग। मैं एक छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि धनिया की खुशबू जो है मसाला में आ जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे फिर अच्छे से आधे मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम लोग इसमें फ्राई किया हुआ अरबी इसमें ऐड करेंगे। अरबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी ऐड कर लेंगे। और हम लोग अरबी को एक मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। अरबी हमारी भून गई है मसालों के साथ। अब हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का टेक्सचर आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। मेरे अरबी अच्छे से डूब गए हैं। अब हम लोग इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे बिना ढके हुए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अरबी हमारी तैयार हो गई है। आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखिए मैं अरबी को प्लेट में सर्व कर ली हूँ। आप बताएं मुझे आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।